दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच कुछ ही घंटों बाद महामुकाबला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस महामुकाबले को जीतने के लिए अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जिससे अब मुंबई की टीम की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि आज आईपीएल का चौथा महामुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेले जाने वाला है, क्योंकि यह दोनों ही टीमें आईपीएल 2024 का आगाज करने जा रही हैं। इसलिए इन दोनों टीमों के बीच जो आईपीएल का चौथा महामुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा, वह काफी कड़ा और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार के आईपीएल के लिए मुंबई इंडियंस की टीम का कप्तान बदल चुका है। जहाँ पर पिछले साल तक गुजरात जायंट्स की टीम के कप्तान रहे हार्दिक पांड्या, इस बार मुंबई की टीम की कप्तानी करने वाले हैं। इसलिए इन दोनों टीमों के बीच यह मैच काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी मुंबई इंडियंस की टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया था और प्लेऑफ तक का सफ़र किया था। हालांकि वह फाइनल नहीं खेल पाई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या के आ जाने से टीम जरूरी टाइटल्स अपने नाम करेगी। तो वहीं गुजरात जायंट्स की टीम के कप्तान सुमन गिल ने भी इस महामुकाबले की जीतने के लिए अपनी तेज तैयारियां कर दी हैं और उन्होंने भी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, क्योंकि गुजरात जायंट्स की टीम ने पिछले साल मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से हराया था। इसलिए टीम के कप्तान के पास सुनहरा मौका होगा कि इस बार वह एक बार फिर से टीम को जरूरी हराएंगे। तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच को जीतने के लिए इन 11 प्लेयरों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है। जहां पर इस महामुकाबले में हम टीम के ओपनर खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा और ईशांत किशन ओपनिंग जोड़ी करने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी T20 क्रिकेट के काफी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं और पिछले साल इन दोनों खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी से लाजवाब प्रदर्शन किया था और टीम के लिए प्लेऑफ तक पहुंचाए। तो भाई तीसरे खिलाड़ी के रूप में इस महामुकाबले में सूर्य कुमार का न होना टीम के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका है, इसलिए तिलक वर्मा इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ने पिछले साल बल्ले तथा गेंदबाजी से लाजवाब प्रदर्शन किया था। तो वहीं चौथे स्थान के लिए टीम के पास साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज कृष्ण स्टब्स खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि स्टब्स म्यांमार की टीम से खेलते हुए लगातार पिछले साल बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं पांचवें खिलाड़ी के रूप में टीम के पास खुद कप्तान हार्दिक पांड्या इस महामुकाबले में खेलने वाले हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट के काफी खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो वहीं छठवें खिलाड़ी के रूप में टीम के पास टिम डेविड जैसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज मौजूद हैं, जो लगातार आईपीएल में अपने हिटिंग सिक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं सातवें खिलाड़ी के रूप में टीम में निहाल बदेरा जैसे युवा फिनिशर बल्लेबाज मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी 7 नंबर पर बेहद घातक गेंदबाजी की थी। तो वहीं 8वें नंबर के लिए टीम के पास स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 9 और 10 नंबर के लिए टीम के पास जसप्रीत बुमराह और जेराल्ड कोएट जी जैसे दो तेज गेंदबाज इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी T20 क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बॉलर माने जाते हैं और जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल काफ़ी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए टीम के पास नमन तुसारा इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि नमन तुसारा ने अभी तक आईपीएल नहीं खेला है, लेकिन देखना होगा कि वह इस महामुकाबले में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं हार्दिक पांड्या इन्हीं 11 प्लेयरों के साथ इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।